विश्व भर में लोगों से कहना चाहता हूं, कम मेक इन इंडिया। और पूरे वर्ल्ड में सभी डीलर्स की मीटिंग, बिल्कुल अभी रोकना चाहूंगा आपको, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें। इस वक्त भगवान विश्वकर्मा को पुष्पांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त अवलोकन कर रहे हैं इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का, और भारत की प्राचीन संस्कृति और सभ्यता की झलक भी स्पष्ट तौर पर इस कन्वेंशन सेंटर में दिखाई देती है। जैसा कि आपको पता है कि भगवान विश्वकर्मा को देवशिल्पी के रूप में जाना जाता है, और वही विश्वकर्मा जो कि सृष्टिकर्ता माने जाते हैं, शिल्पाधिपति माने जाते हैं, शिल्प कलाधिपति माने जाते हैं, तकनीक और वास्तु कला के जनक माने जाते हैं, ऐसे भगवान जो इस वक्त हम देखें तो जो अभी थोड़ी देर पहले की तस्वीरें नई दिल्ली से आपको हम दिखा रहे हैं, यशो भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब से थोड़ी देर पहले ये माल्यार्पण किया, पुष्प अर्पित किए। और जिस तरह से हम वास्तु शिल्प कला के जनक के रूप में भगवान विश्वकर्मा को जानते हैं, कहा जाता है कि उन्होंने सत्ययुग में स्वर्ग युग का स्वर्ग का निर्माण किया, त्रेता युग में आकर के उन्होंने रावण की लंका बनाई। जो द्वारका है ये नई दिल्ली का द्वारका नहीं बल्कि जो गुजरात का द्वारका है उसके निर्माण का भी श्रेय उन्हें जाता है, और ख़ास तौर पर कलयुग में इंद्रप्रस्थ जहाँ पर इस वक्त हम बैठे हैं कहा जाता है कि वो नगरी भी भगवान विश्वकर्मा ने ही बनाई थी। तो आप समझें कि इंद्रप्रस्थ की नगरी में बैठ करके जो कि भगवान विश्वकर्मा ने बनाया ऐसा कहा जाता है हमारे शास्त्रों में जिसका वर्णन है, और द्वारका के साथ भले ही नई दिल्ली का द्वारका हो लेकिन उस द्वारका को भी गुजरात के द्वारिका के साथ अगर आप जोड़े तो वो भी निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने ही किया। और इस तमाम चीज़ों को जोड़ते हुए अगर आप देखें तो उनकी जयंती के अवसर पर ये यशो भूमि राष्ट्र को समर्पित किया जाना जो कि देश के माइस टूरिज्म को भी एक नई दिशा में ले जाने का कार्य करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट ये माइलस्टोन आज के दिन का भारत के लिए और हमारे खास तौर पर जो माइस टूरिज्म है उसके लिए। जयंत कृष्णा जी हमारे साथ बने हुए हैं। जयंत जी, मेक इन इंडिया अब मीट इन इंडिया की तरफ हमें लेके जाता हुआ शायद हमारा फोकस होगा कि आइए हम लोग भारत में मिलें, भारत के बड़े बाजार का फायदा उठाएं और वहां पर अपने टेक्नोलॉजी, अपने सेवाओं और अपने प्रोडक्ट्स को शोकेस करें, शायद पूरी दुनिया को भी फायदा मिलता हुआ नजर आएगा जब वो यहां पर अपने कन्वेंशंस, अपने एग्जीबिशंस करते हुए नजर आएंगे, खासतौर पर इस IICC में। जयंत कृष्णा जी, बिल्कुल अजय जी, मुझे लगता है आप बाकी चीजें छोड़ भी दीजिए, जो भारत इस समय जनसंख्या के हिसाब से पूरे विश्व का सबसे बड़ा मुल्क उभरा है, सबसे ज्यादा लोग पॉपुलस कंट्री हमारा बना है, चाइना को हमने ओवरटेक कर लिया है, और जो अगले कुछ सालों के प्रोजेक्शंस हैं इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के उसके हिसाब से 2027 तक चाइना की पॉपुलेशन करीब 1 करोड़ के आसपास और कम होगी, और उतने ही पीरियड में भारत की जो अभी है करीब 140 के आसपास वो 7-8 करोड़ और बढ़ेगी। तो हमारा इतनी बड़ी जो पॉपुलेशन है और हमारा जिस तरह से पर कैपिटा GDP या पर कैपिटा इनकम भी बढ़ रही है, जैसे हमारी इकोनॉमी और स्ट्रेंथन हो रही है, तो परचेजिंग पावर हमारे लोगों में बहुत बढ़ेगी ऑलरेडी है। तो ये एक जो इंडिया एक मार्केट है, ये कोई भी मल्टीनेशनल हो, किसी भी कंट्री से ऑपरेट करता हो, वो इंडिया को कोई इग्नोर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे यहाँ जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन और डिसेंट बहुत हाई पर कैपिटा इनकम ना भी हो लेकिन फिर भी अच्छी खासी उसमें इजाफा हो रहा है। तो ये मुझे लगता है कि आने वाले वर्षों में जो आजकल लोग कहते हैं कि 4.5% से 5% GDP का हमारा टूरिज्म इंडस्ट्री के थ्रू आता है कंट्री को, वो कोई वजह नहीं है कि अगर हम एक उसको एक युद्ध स्तर पे बढ़ा के चलें और हम अपना प्रयास करें कि हम किसी भी तरह से 10% GDP का हमारा टूरिज्म के से आए और इसको एक मिशन मोड में करके चले, तो ये एक एक ये संभावना बहुत लगती है। और ये जाहिर सी बात है जो यशो भूमि बना है या इससे पहले भारत मंडपम प्रगति मैदान में बन के तैयार हुआ था, ये सब जो चीजें हैं ये बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर में जो एक बहुत गैप हुआ करता था वो एड्रेस होगा और
और कन्वेंशन टूरिज्म बढ़ेगी और उसके साथ साथ जो हेरिटेज टूरिज्म है जिसमें हम स्पेशलाइज करते हैं उसको भी हेरिटेज और कल्चरल टूरिज्म है। अभी G20 में हमने देखा कि किस तरह से कल्चरल डिप्लोमेसी इंडिया ने यूज करी, अपनी सॉफ्ट पावर यूज करी, बिल्कुल सही बात, टेरी डिक्लेरेशन को करने में। तो ये सब चीजें एक ऐसा बहुत कॉन्फिडेंस लगता है कि कंट्री इज मूविंग इन द राइट डायरेक्शन। बिल्कुल सही कहा आपने, जो एक कल्चरल डिप्लोमेसी है सॉफ्ट पावर को पूरी दुनिया तक ले जाने का एक बहुत बड़ा मौका था G20। और अब से थोड़ी देर पहले की ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं फुटवेयर जो उसके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनके साथ प्रधानमंत्री बात करते हुए, भारत की जो फुटवेयर इंडस्ट्री है चीन के बाद पूरी दुनिया का सबसे बड़ा प्रोडक्शन कहें तो भारत का फुट जो भारत में होता है फुटवेयर का, लेकिन हम लोग एक्सपोर्ट मार्केट में उतनी दखल नहीं रखते हैं। जितने हम फुटवेयर बनाते हैं वो भारत के 95% बाजार पर ही जाते हैं, यानी अपने देश में ही कंज्यूम करते हैं। अब ज़रूरत है इस बात की कि इन्हीं आर्टिसंस को फिर से स्किलिंग किया जाए और ट्रेनिंग दी जाए, उनको वर्ल्ड क्लास के नए स्टैंडर्ड्स बनाने का, नए प्रोडक्ट्स बनाने का और इंटरनेशनल मार्केट में ले जाने का। स्पष्ट तौर पर कुछ लेदर के प्रोडक्ट्स भले ही हम एक्सपोर्ट करते हैं लेकिन हमें यह बताया गया है कि हमारी कैपेसिटी उतनी नहीं है। अगर हम इंटरनेशनल कंपनीज हमें ऑर्डर भी देती हैं तो भारतीय कंपनियों के पास उस क्वालिटी की, उस स्टैंडर्ड को मीट करने की कैपेसिटी नहीं है जो इंटरनेशनल मार्केट को कैटर कर पाएँ। और इसीलिए आपको आप देखते हैं कि भारत सरकार अब स्टैंडर्डाइजेशन पर भी काम कर रही है, नए BIS स्टैंडर्ड बनाए गए हैं और आप देखिए कुछ नई नई तस्वीरें हम लगातार आपको दिखाते जा रहे हैं फुटवेयर इंडस्ट्री की। अभी हम बात कर रहे थे प्रोफेसर अनिल कुमार, हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये कई सारे जो पार्टनर्स हैं वो भी इसका हिस्सा हैं और आप तस्वीरें देख रहे हैं राजमिस्त्री के साथ बात करते हुए थोड़ी देर पहले की तस्वीरें, ये भी 18 स्किल्स में से काफ़ी इंपॉर्टेंट स्किल जो कि शिल्प के साथ जुड़ा हुआ, भवन निर्माण के साथ जुड़ा हुआ, फुटवेयर और राजमिस्त्री और जो मशीनरीज हैं उनके साथ लगातार इंटरेक्शन करते हुए, जिस तरह से हमें पता है कि 18 ट्रेड एंड स्किल्स हैं जिस पर लगातार इसको शोकेस किया गया है और कोशिश की जा रही है कि जो परंपरागत हमारा हुनर है उसको कैसे रिवाइव किया जाए, कैसे स्किलिंग किया जाए। प्रोफेसर अनिल कुमार, 15 पार्टनर्स हैं, NSDC, SIDBI, स्किल इंडिया, NSDL, NPCI, डिजी लॉकर, फिनमिन और कई सारे और भी जो एजेंसियां हैं उनके साथ मिलकर के ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। ये जो अप्रोच है, कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच, लगता है कि इस प्रोग्राम को सफल जरूर बनाएगा। देखिए अभी हम पिछले 5 सालों से कम देख रहे हैं कि जो भी योजना भारत सरकार बना रही है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव रूप में ही बना रही है। हमने गति शक्ति योजना को भी देखा, वो भी पूरा उसमें कॉम्प्रिहेंसिव प्रावधान था और इस योजना को सफल बनाने के लिए जरूरी था कि जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे वो स्किलिंग डिपार्टमेंट हो, चाहे वो स्टैंड अप इंडिया हो, चाहे वो MSME हो, सबको एक प्लेटफॉर्म पे आने की जरूरत थी, तो ही हम व्यापक रूप में जो हमारे शिल्पकार और कारीगर हैं आज तकरीबन 50 लाख से ऊपर हैं पूरे देश में, उनको रीस्किलिंग करने की जरूरत थी, गैप था जो कि कहीं ना कहीं जो हमारे स्किल के प्रोग्राम्स थे उसके थ्रू वो नहीं हो पा रहा था। तो इसके अंदर एक तो ये प्रावधान है और दूसरा क्योंकि इसके अंदर वित्तीय सहायता का भी प्रावधान है तो इसके लिए जरूरी था कि जो स्मॉल इंडस्ट्रियल बैंक है हमारा, स्मॉल सेक्टर को जो कवर करता है, वो भी एक प्लेटफॉर्म पर आए और उसके साथ साथ बायोमेट्रिक और पोर्टल के लिए जरूरी था कि इसमें इस तरह के डिपार्टमेंट भी एक तरफ एक हमारे प्लेटफॉर्म पे आए जी। और साथ में इसमें एक प्रावधान और भी है और वो है ब्रांडिंग का, ब्रांडिंग स्टैंडर्डाइजेशन, उसके बिना आप हम एक्सपोर्ट को बढ़ावा नहीं दे सकते हैं। आज एक्सपोर्ट मार्केट में बिना लेबलिंग के, बिना स्टैंडर्डाइजेशन के, बिना सर्टिफिकेशन के आप एक्सपोर्ट मार्केट में टिक नहीं सकते हैं। तो इस योजना में ग्लोबल सप्लाई चेन से हम कैसे जुड़ें और जो हमारा एक्सपोर्ट पोटेंशियल ट्रेडिशनल क्राफ्ट्स के अंदर, आर्टिजन्स के अंदर रहा है, उसको हम कैसे फुली एक्सप्लॉइट करें, इसका इसके अंदर प्रावधान है। अभी चमड़े उद्योग की बात की, उसके अंदर आगरा में बहुत बड़ा इसका एक इंडस्ट्री है लेकिन हम एक्सपोर्ट क्यों नहीं कर पा रहे। इसमें कहीं ना कहीं हमें बदलते परिवेश में उनको रीस्किलिंग की जरूरत है। तो मेरे को लगता है कि ये जो योजना आज प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च की है उससे ये जो बहुत बड़ा गैप था वो पूरा हो जाएगा। आज भवन निर्माण में जो कारीगर लगे हुए हैं, आज भवन निर्माण की जो टेक्निक्स हैं
वो बदल रही हैं। तो क्या कारीगरों को बदलती हुई तकनीक को नहीं अपनाना चाहिए? अगर वो नहीं अपनाएंगे तो वो आइसोलेट हो जाएंगे और वो कहीं ना कहीं विकास की धारा से भी अलग हो जाएंगे। बिल्कुल सही कहा सर आपने। अब तो ग्रीन बिल्डिंग्स का जमाना है और कैसे हम एनवायरमेंट फ्रेंडली बिल्डिंग्स बनाते हैं उस पर फोकस है, एनर्जी एफिशियंट बिल्डिंग बनाते हैं उस पर फोकस है। शैलेंद्र मिश्र, क्या कुछ खबर है आपके पास स्किल डेवलपमेंट को लेकर के? शायद हम एक नए युग में प्रवेश कर रहे हैं और उम्मीद की जा सकती है कि जो हमारे परंपरागत हुनर हैं उनको एक फिर से जीवन मिलेगा और बहुत सारे लोगों को रोजगार के साथ जोड़ा जा सकेगा, खासतौर पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जो फोकस कर रही है सरकार, उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट डे है आज। अजय, निश्चित तौर पर उम्मीद यही है कि पीएम विश्वकर्मा योजना से एक बहुत बड़ा लाभ शिल्पकारों को, दस्तकारों को और जो कारीगरों को है उनको मिलेगा। और भविष्य में हम जानते हैं कि जो 18 विधाओं में काम करने वालों को इसमें जोड़ा गया है, इसमें और भी अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो कामगार हैं उनको जोड़ा जाएगा। हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी जो शिल्पकार हैं या फिर जूता बनाने वाले हैं या सुनार है या फिर जो राजमिस्त्री हैं या टेलरिंग का काम करने वाले लोग हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, आप तस्वीरें देख भी रहे हैं। जी। दरअसल चुनौती ये थी कि पीढ़ी दर पीढ़ी ये काम होता था, इनकी स्किलिंग रिस्किलिंग नहीं होती थी। परंपरागत तौर पर अपने पिता से या अपने परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी लोग काम सीखते थे, स्थानीय बाजारों में जो उत्पाद है उनकी आपूर्ति करते थे। लेकिन जब भारत बदल रहा है, देख रहे हैं कि तेजी से अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है, तब जरूरत इस बात की है कि इन लोगों को भी उस बाजार से जोड़ा जाए और इनके पास वो पर्याप्त स्किल हो, वो टूल किट हो, जो साजो सामान जिसे कहते हैं, आधुनिक मशीनें हो। तो इसके लिए चुनौती है कि पहली बात उन्हें जानकारी हो कि कहाँ से ये मिल सकता है, दूसरी बात उन्हें जो वित्तीय, ये जो प्रोडक्ट्स हम लोग देख पा रहे हैं अभी तस्वीरों में वो शायद एनवायरमेंटली सस्टेनेबल भी काफी हमें दिखाई दे रहे हैं और एनवायरमेंट फ्रेंडली प्रोडक्ट्स। और हमें याद आता है कि जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट की बात बहुत पहले प्रधानमंत्री ने की थी और वो स्पष्ट दिख रहा है कि उस पर भी एक बड़ा फोकस है, चाहे वो बिल्डिंग बनाने की बात हो ISCC की या फिर उन प्रोडक्ट्स को शोकेस करने की जिस पर हम लोग अभी ट्रेनिंग पर फोकस करने जा रहे हैं। अजय, देखिए, अगर हम भारत की जो समृद्ध परंपरा को देखें, जो तमाम कुटीर उद्योग थे या छोटे मोटे काम करने वाले लोग थे, वो पर्यावरण एक तरह से उससे जुड़े हुए, पर्यावरण को नुकसान न हो ये समझते हुए अपने काम को करते थे। कुटीर उद्योग इस तरह से आगे बढ़ाया जाता था और उनकी स्किलिंग इस हिसाब से हो कि वो अपने काम को भी आगे बढ़ा सके। तो आप देखें, इस वक्त कुम्हार बनाने, चाक बनाने वाले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बातचीत कर रहे हैं तो कैसे मिट्टी से मिट्टी के बर्तन, मिट्टी के तमाम खिलौने, साजो सामान बनाए जाते हैं, तो वो अपने आप में दिखाता है कि हम कैसे इसमें देश में लाखों लोग इस काम से जुड़े हुए हैं। इसी प्रदर्शनी जो लगाई गई है, इस प्रदर्शनी में कर्नाटक से जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं चन्नीपट्टनम, वहाँ कारीगर आए हुए हैं, कलाकार आए हुए हैं। आंध्र प्रदेश से जो लकड़ी के खिलौने बनते हैं उनके कारीगर आए हुए हैं। हम जानते हैं कि लकड़ी के खिलौनों पे जो कलर वो चढ़ाया जाता है वो बिल्कुल हर्बल है। तो निश्चित तौर पर ये बहुत महत्वपूर्ण है जब हम देखते हैं कि इस तरह से। जयंत कृष्णा जी, लेकिन इन प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग कैसे की जाए? क्या हम जैसे मेक इन इंडिया पर फोकस कर पाए, अब हम मेड इन इंडिया पर फोकस कर सकते हैं क्या? कैसे हम अपने एनवायरमेंटली सस्टेनेबल प्रोडक्ट लाइन जिस पर हम लगातार से काम करते आ रहे हैं, दुनिया भले ही अभी सर्कुलर इकोनॉमी की बात करती हो, मिट्टी के बर्तनों में हम सर्कुलर इकोनॉमी सदियों पुरानी हमारी है, हम मार्केट नहीं कर पा रहे हैं सर। जी, मुझे लगता है कि अजय जी, ये पीएम विश्वकर्मा स्कीम में जैसे ये स्कीम एक्सपैंड होगी और फर्दर रिफाइनमेंट्स में आएंगे, इसमें मार्केट कनेक्ट भी, क्योंकि जब डेटा हम कैप्चर कर लेंगे उसमें मार्केट कनेक्ट होगा। बट मैं थोड़ा सा डाइग्रेस करना चाहता हूँ। जी, जो प्रधानमंत्री अभी आपने देखा कि पॉटर से मिल रहे हैं या टेलर से मिल रहे हैं, शूमेकर से मिल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कर से मिल रहे हैं, ये एक अपने आप में बहुत अच्छा, भला वो सिंबलिज्म हो लेकिन एक बहुत अच्छा जेस्चर है, क्योंकि जो हमारे यहाँ इस तरह के जो ट्रेडिशनल स्किल्स होते हैं इनको अभी भी मुल्क में इतना जबरदस्त उनके पास हुनर है लेकिन फिर भी उनको वो रेस्पेक्ट नहीं मिलती, उनको एक जो एक इज्जत समाज में मिलना चाहिए वो नहीं मिलती। तो अगर भारत का प्रधानमंत्री इन लोगों के साथ एंगेज कर रहा है, इनसे बातें कर रहा है, इनकी इनकी कार्य की परंपरा को समझ रहा है, इनकी समस्या को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा कदम है और स्किल्स को, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने की दिशा में एक बहुत सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा मेरा मानना है।
ये एक बहुत ही बहुत अच्छी चीज है, वरना बहुत कोई भी एक सरसरी निगाह पे क्या होता है कि आप एग्जीबिशंस में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को ले जाएंगे जल्दी से, वो कोई इंगेजमेंट नहीं होता, लेकिन ही इज इंगेजिंग विद दीज आर्टिजंस व्हिच इज वेरी गुड। और ये इस तरह के अगर हमारे सीनियर लोग और ज्यादा वेल टू लोग, वेल प्लेस लोग इस तरह से इन आर्टिजंस के साथ एंगेज करेंगे, तो ये ट्रेडिशनल स्किल्स को और एस्पिरेशनल बनाएगा, इनकी इनके जो काम करने के तरीके हैं उनको और आगे ले जाएगा, इनको मार्केट दिलाएगा, और यंग जो यूथ हैं वो कनेक्ट करेंगे। हमारी जो कल्चरल प्रोडक्ट्स, ये बेसिकली सारे हैंडलूम हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स को हम कल्चरल और क्रिएटिव इंडस्ट्री के रूप में भी देख सकते हैं, और इन इन इसमें बहुत ज्यादा इनका जो कार्बन फुटप्रिंट होता है वो बहुत कम होता है, बहुत ही सस्टेनेबल होता है। तो ये सब चीजों को हमें मार्केट अगर हम ढंग से करें तो पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में इतनी ज्यादा ट्रेडिशनल स्किल्स और वीव्स और प्रोडक्ट्स नहीं होते, हैंडक्राफ्टेड प्रोडक्ट्स नहीं होते जितने हमारे यहाँ होते हैं। और मुझे, मैं तो बहुत आशावान हूँ इन सब चीजों को देख के और स्किल्स को एस्पिरेशनल, ट्रेडिशनल स्किल्स को एस्पिरेशनल बनाने के दिशा में ये बहुत ही बड़ा कदम होगा। प्रोफेसर अनिल कुमार, लेकिन ये जो इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से, क्योंकि आपकी कोई भी स्ट्रैटेजिक इंटरवेंशन करते हैं किसी भी सेक्टर को रिफॉर्म करने के लिए, तो जब तक आप इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं करते हैं तो भारत जैसे बड़े देश में उनको फिर से रिवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये जो अप्रोच दिखाई दिया है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना में कि हम इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट दे रहे हैं इस पूरे इकोसिस्टम को, ये कितना इंपॉर्टेंट है और हम क्या उम्मीद करें आज से 3 साल बाद 5 साल बाद इस योजना को लेकर के, जब ये एक तरह से अपने नेक्स्ट फेज में जाएगी। तो देखिए, बदलते हुए परिवेश में ये जरूरी है कि जो भी हम योजना के बारे में सोचें और जो हम बनाएं और लागू करें वो अपने आप में कंप्रिहेंसिव हो। इसमें अगर कोई भी एस्पेक्ट्स, किसी भी अगर हम पहलू को नेग्लेक्ट करते हैं तो वो योजना कारगर नहीं हो सकती है। अब इस योजना के अंदर जो मल्टी इंस्टीट्यूशंस है उनको इन्वॉल्व किए बिना हम इस स्कीम को कंप्रिहेंसिव नहीं बना सकते थे। अब लोन देने की बात है, सॉफ्ट लोन देने की बात है, उसके लिए वित्तीय सहायता के लिए भी हमें एक इंस्टीट्यूशन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को जोड़ना उसके अंदर जरूरी था। स्किलिंग की बात है, स्किलिंग के अंदर भी हमें स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री को और जो हमारे कॉरपोरेशन बनी है उसको भी जोड़ना जरूरी था। और उसके साथ अगर हमें इसको सप्लाई चेन से जोड़ना है तो उसमें ब्रांडिंग, मार्केटिंग असिस्टेंस, स्टैंडर्डाइजेशन और एक पोर्टल के साथ जोड़ने के लिए हमें डिजिटल मशीनरी का भी इस्तेमाल था। तो हमने सभी, जितने भी इस योजना में जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, मिनिस्ट्रीज हैं, सरकारी तंत्र है, सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाकर इस योजना को क्रियान्वित करने की कोशिश की है। तो मेरे को लगता है कि बहुत जल्द ही इसका असर हमें 1-2 साल में देखने को मिल जाएगा, जब हम काफी कारीगरों को रीस्किलिंग कर सकेंगे, स्टैंडर्डाइजेशन कर सकेंगे, तो हम देखेंगे कि उनका प्रोडक्ट न केवल भारत में बल्कि वो एक्सपोर्ट करने की स्थिति में भी आ जाएंगे और वो ग्लोबल सप्लाई चेन के माध्यम से जुड़ भी जाएंगे। आज अगर हम इसको नहीं करते हैं तो ये हमारी जो ट्रेडिशनल स्किल्स हैं, पारंपरिक जो हमारी कलाएं हैं वो तकरीबन खत्म होने के कगार पर खड़ी थी। तो ये को लगता है कि इट वाज द नीड ऑफ द आवर दैट दिस कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम इज बीइंग इंप्लीमेंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। शैलेंद्र, आपके पास आना चाहेंगे, थोड़ा सा हम लोगों को वहां पर क्या हो रहा है उसके बारे में बताइए। स्टूडियो में बैठ करके उतना अंदाज नहीं हम लगा पाते कि वहां पर हलचल क्या है, जमीन से थोड़ा सा कुछ तस्वीरों को अपने शब्दों के माध्यम से हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि अब क्या कुछ कार्यक्रम है प्रधानमंत्री का और कैसे वहां पर लोग जुटे हुए हैं। निश्चित तौर पर हम जानते हैं कि सबसे पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यशोभूमि पहुंचे मेट्रो के जरिए और हमने देखा कि एयरपोर्ट मेट्रो के विस्तार का लोकार्पण किया, यानी एयरपोर्ट मेट्रो को अब विस्तार मिल चुका है, और उसके बाद जो यहाँ इंटरनेशनल सेंटर में जो प्रदर्शनी लगाई गई जहाँ पर देश के अलग अलग राज्यों से जो कामगार हैं, शिल्पकार वो आए हुए हैं, कुछ राजमिस्त्री हैं, सुनार हैं, लकड़ी के खिलौने बनाने वाले हैं, जूता बनाने वाले हैं, नाई हैं, मछली के जो जाले बनाने वाले जो लोग हैं, इसके साथ ही साथ नाव बनाने वाले लोग हैं, अलीगढ़ से ताला बनाने वाले लोग हैं। तो उस तरह से हम देखेंगे कि उनसे मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। ये जिस तरह से हमने देखा भारत मंडपम की शुरुआत की गई, उसके बाद हमने देखा नेशनल हैंडलूम डे पे वहाँ पर
जो हैंडलूम से जुड़े कारीगर थे उनको बुलाया गया, और उसके बाद ये ISCC जब हम देश को समर्पित कर रहे हैं तो इस तरह के योजना के जरिए सभी लोगों को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये अब जो नए भारत के नए इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम जो जोर दे रहे हैं शैलेंद्र, उसका फ़ायदा हमें लगता है कि जो आम जनमानस है उसको कैसे मिले, उस पर भी सरकार का फोकस है? निश्चित तौर पर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह मुझे लगता है कि आपकी आवाज़ से ये समझ में आ रहा है कि प्रधानमंत्री शायद उस कक्ष में प्रवेश कर रहे हैं या करने वाले हैं जहां पर उनका उनका जो भाषण है, अभिभाषण है, वो होना है। अपनी अपनी बात जारी रखें शैलेंद्र। मैं ये कह रहा था कि इस तरह की योजना से निश्चित तौर पर बहुत एक बड़ा फायदा उन कामगारों को मिलेगा, और जब हम देखेंगे कि उन्हें टूल किट मिलेगा या फिर उनको स्किलिंग। जब हम आपके पास आएंगे प्रोफेसर अनिल कुमार, किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आप कह रहे थे बहुत सारी एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, खास तौर पर जो टेक प्रोवाइडर्स हैं, जो कैटरिंग करते हैं, हाउसकीपिंग करते हैं, सिक्योरिटी हो, डेकोरेशन हो, ब्रांडिंग आपने उसका जिक्र किया, मीडिया, ट्रांसलेशन सर्विसेज, ये सारे के सारे जो एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं उनको भी बहुत बड़ा बढ़ावा मिलता है जब आप इतने बड़े स्तर पर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन करते हैं और उसको एक तरह से विश्वकर्मा योजना के साथ जोड़ते हुए आज किस तरह से आप देख रहे हैं? देखिए, हम मीट टूरिज्म की बात कर रहे थे तो उसके लिए ईज ऑफ मीटिंग बहुत जरूरी है। हम जब तक ईज नहीं होगा, सुगमता नहीं होगी मीटिंग करने की, जब तक हम मीट टूरिज्म की तरफ जा नहीं सकते। तो इन एग्जीबिशंस के थ्रू सुगमता भी होगी और साथ में जो एलाइड इंडस्ट्री वो अपने आप ही, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी आ गए, पब्लिक सेक्टर आजकल इसमें ज्यादा दखलअंदाज नहीं करती है, लेकिन जब इस तरह के एग्जीबिशन सेंटर आते हैं तो उसमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी स्वतः आ जाता है, क्योंकि उसके अंदर चाहे वो होटल वाले हों, रेस्टोरेंट वाले हों, सर्विस प्रोवाइडर्स हों, इवेंट मैनेजमेंट कंपनी हों, एंटरटेनमेंट वाली कंपनी हों, इन सबकी जरूरत इस तरह की मीट्स में, एग्जीबिशंस में होती है तो इनको बढ़ावा मिलेगा। तो इसमें मैं समझता हूँ कि जितनी भी इंडस्ट्रीज लगी हुई हैं साथ में उनको बढ़ावा मिलेगा। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, शायद वो हो सकता है आउट ऑफ प्लेस हो। जब मारुति सबसे पहले गुड़गांव में मारुति का प्लांट लगा, उसके साथ साथ दुनिया भर की इंडस्ट्रीज, एलाइड इंडस्ट्री, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और वो सब वहां पर एस्टेब्लिश हो गए, और हम देखते हैं कि 10 साल में गुड़गांव का विकास इतनी तेजी से हुआ कोई सोच नहीं सकता। आज हम द्वारका में जो ये एग्जीबिशन सेंटर इंटरनेशनल लेवल का बना रहे हैं तो अपने आप में द्वारका एक बहुत बड़े सिटी के रूप में, विद इन दिल्ली के रूप में सामने आएगा। और एक दूसरा बड़ा फैक्टर, इससे दिल्ली को डीकंजेशन होने में भी बहुत फायदा होगा। अब अगर सभी फैसिलिटीज अगर आप सेंटर दिल्ली में कर देंगे तो न केवल एग्जीबिशंस में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनको डिफिकल्टीज होगी, बल्कि आम नागरिक का भी, वहां ट्रैफिक और दुनिया भर की प्रॉब्लम से कंजेशन हो जाता है। तो ऐसे में इस सेंटर को दिल्ली के एक कोने में द्वारका में सेटअप करना, द्वारका सब सिटी का भी उसके अंदर विकास होगा और पूरी दिल्ली को अगर हम डीकंजेशन करें तो उसमें भी एक उस तरफ एक कदम है, और पूरी दिल्ली का विकास, हर कोने का विकास, कि दिल्ली के हर जगह कहीं पर एग्जीबिशन सेंटर्स हो, कहीं पर मीटिंग पॉइंट्स हो, इस तरह से दिल्ली का विकास के रूप में मैं इसको देखता हूं। जयंत कृष्णा जी, ये अभी हम जो देख पा रहे हैं रैंकिंग, उसमें अभी हम 28th रैंक पर हैं अगर हम ICAA की रैंकिंग देखें, और 7 सिटीज हैं जो कि भारत की टॉप करती हैं पूरे अगर हम दुनिया की बात करें, लेकिन उसमें नई दिल्ली जो कि सबसे ऊपर है उसका पूरे वर्ल्ड में रैंकिंग देखें तो 75th है। उसके बाद हैदराबाद 159th, बैंगलोर की बात करें तो वो 200 उसके नीचे, चेन्नई भी 200-210, गोवा 300 नंबर पर, अहमदाबाद जहाँ पर बहुत बड़ा महात्मा गांधी ऑडिटोरियम है 424वें नंबर पर आता है। वैश्विक स्तर पर हम लोग बहुत पीछे हैं सर, अभी क्या करना होगा राज्य स्तर पर, क्या करना होगा शहरों के स्तर पर पूरे बुनियादी ढांचे को और ज्यादा बेहतर करने के लिए, स्किलिंग करने के लिए? जयंत कृष्णा जी, आप मेरे साथ हैं? कोशिश करेंगे जयंत कृष्णा जी से। जी, आप सुन पा रहे हैं मेरे को? जी बिल्कुल जयंत जी, बताएं। जी, तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मुहिम है, हमारे जो अर्बन एरियाज हैं उसमें अर्बन डेवलपमेंट को हम एक नेक्स्ट लेवल ऑफ मैच्योरिटी और कैपेबिलिटी की तरफ ले जाएं, उसमें एक बहुत, हमने स्मार्ट सिटी मिशन की एक शुरुआत अच्छी करी थी, बट मुझे लगता नहीं है कि जो सारे करीब 100 सिटीज जो स्मार्ट सिटी में,
पहले फेज में, उसमें सब जगह एक सा या एक एक डिजायर्ड लेवल का कार्बन डेवलपमेंट लेवल तक हो पाया हो, तो उसमें इसको उस मिशन को एक फिर से रिकिंडल करने की जरूरत है, बहुत आगे ले जाने की जरूरत है। और आपने जो स्किल्स की बात करी, जाहिर सी बात है कि स्मार्ट सिटी स्मार्ट नहीं हो पाएंगे, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर आप ग्रेड भी कर दीजिए तो उसको ऑपरेट कौन करेगा जब तक हमारे पास स्किल्ड वर्कर्स नहीं होंगे उस तरह के। तो वो ये सब चीजें हाथ में साथ साथ चलने की जरूरत है, इंफ्रास्ट्रक्चर और रैपिड स्पेस्ड अर्बनाइजेशन, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का, उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स, उसमें किस तरह से कल्चरल इक्विटी और हेरिटेज इक्विटी उस स्मार्ट सिटी के साथ इंटीग्रेट करी जाए, किस तरह से स्किल्स करे जाए, तो वो इसलिए हमारे अभी बहुत दूर है। अब जो दुनिया के टॉप 10 मोस्ट लिवेबल सिटीज की बात होती है उसमें भारत का कहीं आसपास टॉप 50 में नहीं, तो ये सब चीजें हमें बहुत बड़ा फासला भी है इंडिया को जो एड्रेस करना है। बट हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हम अभी भी हमारी इकोनॉमी जो है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी है और एक आजादी के बाद हमारा जीडीपी जो था वो बहुत ही बहुत स्मॉल फ्रैक्शन था और रैंकिंग हमारी बहुत पुअर थी। हम आगे बढ़ते बढ़ते किस तरह से आज पांचवी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में पहुंच चुके हैं और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से देखें तो ऑलरेडी थर्ड लार्जेस्ट हो गए हैं और एब्सोल्यूट टर्म्स में नॉमिनल जीडीपी को भी अगर देखें तो अगले 3-4 साल में हम शायद थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएं। लेकिन हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडिकेटर्स हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, उसमें अभी बहुत बहुत बड़ा गैप है और अगर हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे तो हमें वो अंडर द कार्पेट रखने जैसी बात हो जाएगी, क्योंकि हम एक एक उस वो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इम्प्रूवमेंट लाना क्वालिटी ऑफ लाइफ वो बहुत जरूरी है हमारे मुल्क के लिए। प्रोफेसर साहब, मैं वही सवाल आप तक भी ले जाना चाहता हूँ। चलिए एनसीआर में तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कर दिया, यशोभूम सेकंड फेज आएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा, लेकिन हैदराबाद, बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, गोवा, अहमदाबाद या फिर जो दूसरे फेज में आगरा, रायपुर, वाराणसी जैसे जो शहर हैं उनको अगर हमें वैश्विक पटल पे लेके जाना है और माइस टूरिज्म में उनको इन्वॉल्व करना है ग्लोबल लेवल पे, शायद राज्य सरकारों को भी बहुत काम करना होगा। सर बिल्कुल अभी, लेकिन मैं एक बात उसमें एक आपकी बात में संशोधन करना चाहूंगा जी। अभी G20 में पूरे देश में मीटिंग हुई, देश के अलग अलग शहरों में हुई, छोटे शहरों में भी हुई और उससे काफी अच्छा उनका रिस्पॉन्स था और काफी ढंग से अच्छे ढंग से उनको ऑर्गेनाइज किया था। लेकिन जहां तक दूसरे शहरों के विकास की बात है और इस तरह के फैसिलिटीज की बात है, ये बात बिल्कुल ठीक है कि इसमें खाली केंद्र सरकार का कोई रोल नहीं है। जब तक केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलकर काम नहीं करेगी, जब तक हम उन सिटीज का, उन शहरों का विकास नहीं कर पाएंगे। लेकिन इस दिशा में ऑलरेडी बहुत काम हो चुका है। पहले जबकि देश में तकरीबन चुने हुए शहरों में एयरपोर्ट होता था, आज Tier 2, Tier 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट कनेक्टिविटी बढ़ी है, रोड की कनेक्टिविटी बढ़ी है और जितनी भी फैसिलिटीज एक मॉडर्न एज में होनी चाहिए, बड़े बड़े स्टोर्स, बड़ी बड़ी फैसिलिटीज, वो सब Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी उसी तरह से डेवलप हो रही है। लेकिन अब हमें जरूरत है कि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को, खासकर टूरिज्म के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने की बात है और उसमें इस तरह के एग्जीबिशन, इसमें कन्वेंशन सेंटर्स, उनका एक अपना रोल होता है। तो इस तरह की अगर हम फैसिलिटीज वहां पर भी क्रिएट कर सकेंगे तो हम, जिसको सरकार का जोर रहा है कि बैलेंस डेवलपमेंट, कि जो हमारा डेवलपमेंट है, भारत का विकास है, वो सिर्फ कुछ शहरों तक या कुछ पॉकेट तक फोकस ना होकर पूरी इंडिया में, पूरे भारत में जो भी शहर हैं, जो भी क्षेत्र हैं, उन सबको उसमें बराबर उसका फायदा हो, उनका योगदान हो, तो मेरे को लगता है कि उस दिशा में काफी काम करने की जरूरत है और राज्य सरकारों को केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इसके साथ यत्न प्रयत्न करना पड़ेगा। आ रहे हैं जिसमें परंपरागत हुनर से जुड़े शिल्पकारों के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और देखिए तस्वीरें कितनी खूबसूरत, शायद अलीगढ़ से ये जो हमारे कारीगर थे वो बहुत बड़ा ताला भेंट करते हुए प्रधानमंत्री को दिखाते हुए, और प्रधानमंत्री भी बहुत एंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं जो कारीगरी है जो बर्तनों पर की गई है, या फिर मुझे लगता है कि संगमरमर पर की गई जो कारीगरी है, उसका अवलोकन करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अलग अलग राज्यों से अलग अलग शिल्पकार इस इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में इस वक्त इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बने हैं। और इससे पहले हमने देखा कि G20 की जितनी बैठकें हुई उसमें अलग अलग शहरों में, अलग अलग राज्यों में फोकस किया गया कि वहाँ के जो
लोकल आर्टिसंस हैं, लोकल क्राफ्ट है, लोकल आर्ट है, उसको शोकेस किया जाए, वैश्विक स्तर पर ले जाने की कोशिश की जाए। और वहाँ पर भी बहुत सारे कलाकारों ने बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव फीडबैक दिया कि कैसे भारत के सॉफ्ट पावर को दुनिया तक ले जाने का एक मौका मिला है, जिसका जिक्र जयंत कृष्णा साहब कर रहे थे कि कैसे हमने सॉफ्ट डिप्लोमेसी का इस्तेमाल किया। और ये लगातार फोकस किया जा रहा है, चाहे वो भारत मंडपम में नेशनल हैंडलूम डे के दिन दुनिया देश भर के जो हैंडलूम सेक्टर से जुड़े लोग हैं उनको बुला करके वहाँ पर उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस किया गया, और आज IICC से ये तो एक मौका था इंडिया इंटरनेशनल जो कन्वेंशन सेंटर है उसको राष्ट्र को समर्पित करना। हालांकि केवल अभी फर्स्ट फेज यशोभूमि का पूरा हुआ है, करीब 300,000 स्क्वायर मीटर का ये एरिया है जो बनकर के तैयार हुआ है, लेकिन एक विजन प्रधानमंत्री का देखिए कि आज के दिन, आज के बहुत ही खास दिन जब हम पूरा देश इस दिन को विश्वकर्मा जयंती के रूप में मना रहा है, कैसे हम प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करते हैं। और इसका ऐलान, जैसा कि आपको पता है कि 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया गया, उससे पहले इसका ऐलान बजट में किया गया था, प्रावधान किया गया था। हम सभी लोग ये सोच रहे थे कि इसमें क्या कुछ आएगा, कैसे रिवाइव करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अब ये तस्वीर साफ हो चुकी है कि केंद्र सरकार की योजना, सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार की तरफ से 13,000 करोड़ रुपए का ये फाइनेंशियल असिस्टेंस की योजना है, जो कि जो हमारे कारीगर हैं, जो हमारे शिल्पकार हैं, जो हमारी परंपरागत जो तकनीक है उनको बचाए रखे हुए हैं, सजोए रखे हुए हैं, उनको संभालने के लिए ये केंद्र की योजना शुरू की गई है, जिसमें न केवल कारीगरों की स्किलिंग की जानी है बल्कि उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी किया जाना है। भले ही आज के दिन को आप एक सिंबॉलिक जेस्चर के रूप में देखें, जिस तरह से हमारे गेस्ट्स कह रहे हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा दिन है उन कारीगरों के लिए, उन शिल्पकारों के लिए, जो जिनकी ज़िंदगी ही उनका हुनर है, और कैसे उनको रिवाइव किया जाए और कैसे उनके साथ रोजगार की एक नई श्रृंखला है उसको शुरुआत की जाए, कैसे उनके आत्मविश्वास को वापस किया जाए, और कैसे जिस तरह से हमने देखा कि 3 शब्दों पर ये केंद्रित किया गया है, सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। इन तीनों शब्दों से हम समझने की कोशिश कर सकते हैं कि प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के केंद्र में है क्या। विजन यही है कि कैसे हम शिल्पकारों को सम्मान दें, कैसे हम उनके सामर्थ्य को बढ़ा सकते हैं, और सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए चाहे उन्हें वित्तीय सहायता देनी पड़े, सस्ते दरों पर कर्ज देना पड़े, या फिर उनको कौशल विकास की तैयारी करने पड़े और उसके जरिए उनकी समृद्धि में योगदान दिया जाए और वो फिर देश के विकास में अपना योगदान दे। जयंत कृष्णा जी, क्या आप हमारे साथ हैं? जी हाँ, मैं बिल्कुल हूँ। सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि, ये 3 शब्द केंद्र में नजर आते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के। क्या आप मानते हैं कि इससे तीनों ही चीजों को बढ़ावा मिलेगा? सामर्थ्य, और आपने क्या कहा? सम्मान, सामर्थ्य और समृद्धि। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि समृद्धि तभी आएगी जब हम ये पीएम विश्वकर्मा का जो एक मेन ऑब्जेक्टिव है कि किस तरह से रीस्किल करें, किस तरह से फाइनेंशियल असिस्टेंस दें, किस तरह से टूल किट खरीदने के लिए हेल्प करें, तो इससे ये सब चीजें जब उनके व्यवसाय में, जो ट्रेडिशनल आर्टिजन्स हैं उनके व्यवसाय में ये लगेगी, तो इसमें जाहिर सी बात है समृद्धि आएगी, और उनको उनका जैसे स्किल्स बढ़ेंगे, उनका सामर्थ्य बढ़ेगा, उनका 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 उनकी कुशलता बढ़ेगी, उनका कौशल बढ़ेगा, और जाहिर सी बात है कि सम्मान, तो ये इससे अच्छा क्या एग्जांपल हो सकता है कि प्रधानमंत्री खुद, मुझे लगता है कि करीब आधा घंटा तो ऑलरेडी हो गया है उन्होंने आर्टिजन्स के पास जाकर, और सिर्फ एक सरसरी तरह से गुजर ना जाना, हर एक से एंगेज करना, हर एक से बात करना, हर एक से उनके उनके प्रोफेशन को समझना, उनकी कला को समझना, उनकी समस्याओं के बारे में बात करना, उनकी प्रोडक्ट्स को अप्रिशिएट करना। और मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आई एम श्योर अगर कुछ खामियां भी होंगी उन प्रोडक्ट्स में तो प्रधानमंत्री जी उसको भी इंगित कर रहे हैं, तो इससे उनका सम्मान भी बढ़ेगा। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि उनका सामर्थ्य में इजाफा होगा, उनको सम्मान मिलेगा, जो एक बहुत बड़ी जरूरत है अगर हमको ट्रेडिशनल स्किल्स को और ज्यादा आगे बढ़ाना है, और उनकी समृद्धि भी होगी, इसकी जो आर्थिक सपोर्ट है उसके जरिए उनकी समृद्धि होगी, उनकी उनकी जीविका के साधन में और बढ़ोतरी होगी, और जी, और जी। ये सब चीजें हमारी एक ये हाशिए पे रह रहे लोग ना बन जाएं, किस तरह से देश की मुख्य अर्थव्यवस्था का पार्ट बने और किस तरह से पूरे वर्ल्ड में इनके प्रोडक्ट्स का डिमांड हो, ये एक बहुत, मैंने आपको जैसा बताया कि जब मैं भारत सरकार में था, स्किल इंडिया मिशन में था,
तो प्रधानमंत्री मंत्री जी अक्सर बोलते थे कि आप लोग गुरु शिष्य परंपरा में इतनी अच्छी स्किलिंग हो रही है उससे नहीं लेते, या जो ट्रेडिशनल जो आर्टिजन्स हैं उनके लिए क्या हो रहा है। तो हम लोग के पास कुछ उत्तर होते थे कुछ नहीं होते थे, लेकिन हमें लगता है कि विश्वकर्मा स्कीम से, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम से, वो बहुत से जो गैप्स थे हमारे कल्चरल और क्रिएटिव इकोनॉमी में वो एड्रेस हुए हैं। प्रोफेसर अनिल कुमार, ऐसा लगता है कि इस योजना के बाद कुछ क्षेत्रों में भारत अब बिल्कुल आत्मनिर्भर होने का भी प्रयास करता हुआ नजर आएगा। मिसाल के तौर पर खिलौना उद्योग, जो तस्वीरें इस वक्त हम देख रहे हैं, लकड़ी के खिलौने, जिस पर अब बहुत ज़्यादा फोकस हम बहुत इंपोर्ट किया करते थे, अब ऐसा लगता है कि हम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ गए हैं। उसी तरह से बहुत सारे ऐसे ट्रेडिशनल आर्ट एंड क्राफ्ट हैं जिस पर भारत फिर से वापस आत्मनिर्भर हो सकता है और शायद दुनिया को एक बहुत बड़ा बाजार देने के साथ साथ खुद उनके लिए प्रोडक्ट का बाजार बन सकता है। देखिए, मैं इसमें दो बातें और साथ में ऐड करना चाहूंगा। आत्मनिर्भर भारत में एक वोकल फॉर लोकल, उसका सरकार का बढ़ावा रहा है कि जो लोकल हमारी प्रोडक्ट्स हैं उसमें आर्टिजन्स की भी प्रोडक्ट्स आ गई, शिल्पकार जो बनाते हैं उनकी भी प्रोडक्ट्स आ गई, उनको हमें कैसे बढ़ावा देना है। वो आज से नहीं, तकरीबन 5 साल से आत्मनिर्भर भारत पैकेज के साथ सरकार ने न केवल इसकी घोषणा की थी बल्कि इस तरफ काम भी हो रहा है। और जो दूसरी योजना सरकार ने लागू की वो वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, आज हमारे पास दुनिया देश में जितने डिस्ट्रिक्ट हैं वो किसी ना किसी प्रोडक्ट्स के रूप में, और वो प्रोडक्ट तकरीबन आर्टिजन्स के द्वारा ही बनाई गई है, तो वो हम उसको बढ़ावा दे रहे हैं। लेकिन आज हमने इस योजना में इन सब पहलू को एक प्लेटफॉर्म पर लाके खड़ा कर दिया है। आज हमने शिल्पकारों को एक नई पहचान दी है इस योजना के तहत, और विश्वकर्मा जयंती के दिन इस योजना को लागू करके घोषणा तो हमने 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने जब शिल्पकारों के बारे में बात की तो उससे बड़ा सम्मान मैं नहीं समझता कि कोई और हो सकता है शिल्पकार भाइयों और बहनों के लिए। लेकिन घोषणा को क्रियान्वित करने के लिए मुश्किल से 2 महीने का भी समय नहीं निकला है कि इस योजना को आज हम लागू भी कर रहे हैं। इसमें जैसे आपने कहा कि इनकी सामर्थ्य, इनकी कैपेबिलिटीज कैसे बढ़े, इसमें एक कंप्रेहेंसिव इस योजना में सभी पहलू के ऊपर ध्यान किया गया कि कैसे उनकी स्किलिंग को हम बढ़ाएं, कैसे हम उनको मार्केटिंग असिस्टेंस दें, कैसे हम उनकी ब्रांडिंग करें, और साथ में अगर इनको टूल किट चाहिए तो वो दें, और अगर कोई वित्तीय सहायता चाहिए। मैं आज बताता हूं आपको कि ये जो वर्ग हैं, जो तकरीबन 18 इसके अंदर वर्ग को हमने कवर किया है, इनको वित्तीय सहायता में बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बिना गारंटी के लोन इस देश में लेना कोई बहुत आसान काम नहीं है। तमाम तरह की योजनाएं हैं, लेकिन क्योंकि ये वर्ग ये